24 Live Review. पटना में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना गौरीचक थाना क्षेत्र से सामने आई थी। एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग 7 युवक एक 45 साल की महिला के साथ गैंगरेप कर रहे थे। इस पूरे मामला को पटना पुलिस ने गंभीरता से लिया और महज 8 घंटे की तफ्तीश में अपराधी पकड़े गए। इस मामले को लेकर SSP उपेंद्र शर्मा ने कहा कि यह गंभीर और बहुत ही दुखद मामला है। उन्होंने बताया कि एक महिला जो पटना से गौरीचक अपने गांव के लिए निकली थी, तभी कुछ युवक महिला को अपने साथ ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए महिला से भी पूछताछ की गई है, जिसके बाद पता चला कि पास के ही रहने वाले कुछ युवक ने इस घटना को अंजाम दिया था। जांच के बाद सभी आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखे पटना से संवाददाता ये घटना हुआ था और जो भी अपराध करनी है, आखिर ये महिला को कैसे पहचानते थे कि महिला रास्ता भटक गई थी, क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर महिला वहाँ तक पहुँची कैसे, क्या क्या है घटनाक्रम जो है, इस पर अभी स्पष्टता उतनी नहीं आ पाई है। लगभग एक माह पहले ही घटना बताई जाती है, विक्टिम भी वही बता रही हैं और जो एक्यूज्ड हैं जो युवक, वो लोग भी यही बता रहे हैं। एक माह पहले की बात है और इन लोग को धुंधला से याद है कि सोमवार का दिन रहा होगा, क्योंकि उस दिन शायद सोमवारी थी, ऐसा ये लोग कहते हैं। हम लोग इनके टेक्निकल एविडेंसेस से पता करने का प्रयास कर रहे हैं सभी के लोकेशन से कि कौन सा वो सोमवार था, उससे डेट फिक्स हो जाएगा। घटनास्थल पुष्ट हो गया है। जो महिला, जैसे मैंने आपको बताया, जिसके साथ ये घटना घटी है, वो एक्यूज्ड के गांव के पड़ोस के गांव के ही रहने वाली है। उनमें से कई एक्यूज्ड को वो पहचानती भी है और कई एक्यूज्ड उसको भी पहचानते हैं। और ये महिला पटना से, अपने बयान में बताई है कि पटना से ये जा रही थी गौरीचक। उस दौरान इनको कुछ लड़कों ने टिकअप किया था गौरीचक के आसपास और फिर इस तरह का अपराध इनके साथ किया था। यही घटनाक्रम अभी तक महिला द्वारा बताया गया। कितने वर्षीय महिला है सर, कि ये शादीशुदा थी या विधवा थी? अपने बयान में वो बताई हैं कि 45+ उनका एज है, बाकी वो सभी को वेरिफिकेशन है। और अब तक की जांच में ये पता चला है कि वो विधवा है। नहीं, वो एज वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे, अभी तो उनके बयान के आधार पर कुछ कहना सही नहीं होगा। उनके हम लोग जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ये गांव के युवक हैं, मतलब कुछ करते नहीं, कोई आपराधिक इतिहास अभी तक उजागर नहीं हुआ है। इसी तरीके से जिले में जो है, ये कल प्रकाश में आई थी और ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग घटना थी अपने आप में। एक वीडियो वायरल हुआ और हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्रकार बंधु द्वारा ही मिला। लगभग 8 बजे मुझे वीडियो प्राप्त हुआ। उस वक्त मैं और सिटी SP ईस्ट साथ में ही थे बाईपास थाना पर, और वीडियो में जो कंटेंट था वो देखकर उसकी गंभीरता प्राइमसी ही प्रतीत हुई कि बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध कहीं घटा है। उस वीडियो के साथ कुछ डिटेल्स भी शेयर मिल किए गए थे सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद तुरंत उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने पूरे मसौढ़ी अनुमंडल को मोबिलाइज़ किया और सदर अनुमंडल को मोबिलाइज़ किया। लगभग सभी थानेदार और DSP उस क्षेत्र के मौके पर पहुँचे। मैं और CTSP भी पहुँचे थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस औरत का वेरिफिकेशन हो गया, जिस महिला के साथ उस अपराध की घटित होने की बात उजागर हो रही थी। और उसके बाद तत्काल हमने FIR दर्ज किया और जो वीडियो था उसमें उसके अनुसंधान की दिशा में जब हम आगे बढ़े तो उसमें शिनाख्त हुई एक व्यक्ति की, और उसको हम लोगों ने पकड़ा। और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो जिस तरह की बात महिला ने बताई थी, उसी तरह की बात उस व्यक्ति ने भी बताई, उस युवक ने। उसका नाम दीना कुमार है और अपने सहयोगियों का नाम बताया। कुल 7 अपराधकर्मी थे, युवक थे, जिनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया। और इस घटनास्थल का जो PO है वो महिला के गांव के नज़दीक ही है और इन युवकों के गांव के नज़दीक ही है। उस PO को बाद में हम लोगों ने फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया। रात भर लगभग 8 घंटे के अभियान में
हम लोगों ने 7 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक और बाईस्टैंडर था जिसको कि गिरफ्तार करना बाकी है। इन सभी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कराए हैं तो अब तक इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। महिला का हम लोग मेडिकल करा रहे हैं और महिला को 164 का बयान भी कराया जाएगा। सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज किया गया है और इन सभी युवकों को हम लोग जेल फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है, उसमें वीडियो कंटेंट अवेलेबल भी है, वो भी एज एविडेंस इसमें इस्तेमाल किया जाएगा।